विभाग विनोद में आज फिर मैं एस एन विनोद आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज सीधे चर्चा करते हैं पांच राज्यों में आसन विधानसभा चुनावों को लेकर। जैसे कि अपेक्षा थी कल हमने चर्चा की थी, चुनाव आयोग ने इन राज्यों में चुनावी तिथि की घोषणा कर दी है। 7 से 30 नवंबर के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा के चुनाव होंगे। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। अपेक्षानुरूप ही यह घोषणा हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती और एक अजीब घटना विकास क्रम है वह यह कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और इन पांच राज्यों में जो महत्वपूर्ण जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, मिजोरम तेलंगाना में स्थानीय क्षेत्रीय दल है। अब स्थिति यह बनती है या बना दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। दिलचस्प घटना विकास क्रम यह है कि मध्य प्रदेश जहां उनकी सरकार है वो सत्ता में है, शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम की घोषणा इस चुनाव लड़ेंगे वो। लेकिन अभी तक यह घोषणा नहीं हुई है और संभवतः होगी भी नहीं कि वही पुनः अगर उनकी सरकार बनती है वहां तो ही मुख्यमंत्री के चेहरे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्रियों सहित अनेक सांसदों को और दिग्गज नेताओं को वहां चुनावी अखाड़े में उतारा है। इससे यह संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वहां सब कुछ सामान्य अर्थात ठीक ठाक तो नहीं ही है, और मामा के रूप में लोकप्रिय प्रख्यात जो कह लीजिए शिवराज सिंह चौहान के जाने का समय आ गया है। यह सब किंतु परंतु के साथ है, अगर वहां सरकार बनती है तब, क्योंकि जो चुनावी सर्वे आए, कल आखिरी दिन था घोषणा के पूर्व आएंगे नहीं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में आएगी। राजस्थान में अवश्य, हालांकि वहां कांग्रेस सत्ता में अभी है लेकिन वहां कांटे की टक्कर दिख रही है, और इसका कारण वही दुखद रूप से जो आंतरिक कलह है कांग्रेस के अंदर में जो व्याप्त है, चाहे जितनी सफाई वो दे ले, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र को लेकर के भी। लेकिन जो वर्चस्व की लड़ाई है कुछ नेताओं के बीच में वह समाप्त होते नहीं दिखती। इसका सबसे बड़ा कारण राजस्थान में अगर दिख ले तो वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एक मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में सचिन पायलट, इन दोनों के बीच जो तनाव है वह स्पष्ट है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप के बाद यह बताया गया कि नहीं अब सब कुछ सामान्य है, सब आपस में उन लोगों ने सुलझा लिया जो भी विवाद था, लेकिन ऐसा है नहीं, वह मनमुटाव जारी है और उन दोनों के समर्थकों के बीच भी एक दुनिया बनी हुई है। निश्चय ही इसका प्रतिकूल प्रभाव चुनावी परिणाम पर पड़ेगा। अब रहेगी बात इन तीनों राज्यों में चुनावी रणनीति को लेकर। जैसा हम उन्होंने चर्चा किया पहले, आज पुनः दोहराना ही पड़ेगा कि यह जो अभी अवसर है, अभी जिस प्रकार की हवा चल रही है, अनेक मुद्दों को लेकर के जिस प्रकार आम जनता के बीच में संतोष है, प्रमुख रूप से महंगाई और बेरोजगारी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगर विपक्ष एकजुट होकर ईमानदारी के साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता है, चुनाव में खड़े उतरता है, तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल तो नहीं ही होंगे, यह एक सच्चाई है। ध्यान रखें, पूर्व में
खाद्य तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर, उसके आधार पर बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, केंद्र में हो चुका है। हम यहां पांच राज्य विधानसभाओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसे जोड़कर लोकसभा के चुनाव जो 24 में होने वाले, इसलिए जोड़ा सकता है कि इन पांच राज्यों को चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। निश्चय ही इस परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम को भी प्रभावित करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हालांकि राजनीतिक समीक्षक तर्क देते हैं और कुछ हंसों सही भी देते हैं, हालांकि उस समय परिस्थितियां अलग थी कि पूर्व में इन राज्यों में जब विपक्ष को अर्थात गैर भाजपा दलों को मतदाता ने पसंद किया था, जैसे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, बहुमत कांग्रेस के पास था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लेकिन उसके तत्काल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो मतदाता की पसंद भारतीय जनता पार्टी बनी थी। प्रचंड बहुमत से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मतदाता ने विजयश्री दिया था। इस तथ्य की, इस सच्चाई की मौजूदगी के बीच दावे के साथ यह कहना कि इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम लोकसभा चुनाव परिणाम को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करेंगे, शायद कहना गलत होगा। प्रभावित करेंगे, किस रूप में करेंगे, यह करना भी मुश्किल है, क्योंकि यह सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इन दिनों चुनावी हवा का रुख मतदान के एक दिन पूर्व रातों रात भी बदल जाया करता है। ऐसे में यह दावे के साथ कुछ कहना मुश्किल है। कल देख रहा था सर्वे, एक खबरिया चैनल पर जो सर्वे दिया जा रहा था, उसमें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाएगी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दिखाएगी। यह जो आम चर्चा है, और यहां यह बताना समीचीन होगा कि स्वयं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राजस्थान को लेकर कांग्रेस की विजय के प्रति शंका प्रकट कर चुके हैं, जबकि उनकी सरकार हुआ है, यह ध्यान रखिए। लेकिन राहुल गांधी जो एक परिवर्तित राहुल गांधी जो इन दोनों सामने हैं, अब लोग बाग स्वयं उनके आलोचक और राजनीतिक समीक्षक उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यह परिवर्तित राहुल गांधी सिर्फ पार्टी हित को देखते हुए शब्दों का चयन नहीं करते हैं या तथ्यों को प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, उसके आधार पर इन दिनों वो बोला करते हैं। इसलिए उनकी विश्वसनीयता में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में इन तीनों राज्यों के जो महत्वपूर्ण, में अभी यहां तेलंगाना और मिजोरम की चर्चा नहीं कर रहा, इन तीन महत्वपूर्ण राज्यों की चर्चा कर रहा हूं, जिसको कि आज सभी क्षेत्रों में, मीडिया में हो, राजनीतिक क्षेत्रों में हो, इन तीनों राज्यों को लेकर चर्चा हो रही है। अब स्थिति यह बनती है कि जो विपक्ष का महागठबंधन इंडिया बना है, अभी तो सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं हुई, लेकिन यह कांग्रेस के नेतृत्व में ही कहा जाएगा। हालांकि पहल जेडीयू के नीतीश कुमार ने की, बिहार के मुख्यमंत्री ने, लेकिन जो आकार इसने लिया है, तो विपक्ष में सबसे बड़ा दल होने के कारण कांग्रेस को नेतृत्व का स्थान स्वाभाविक रूप से प्राप्त होना चाहिए। चूंकि पिछले लगभग अब 10 वर्ष होने जा रहे हैं केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो एक एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है, वो फैक्टर भी काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में सबसे आवश्यक है कि अगर एकजुट विपक्ष ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं देता है, तब फिर जिस परिवर्तन की आशा आज विपक्ष के नेता या विपक्षी दल कर रहे हैं, संभवतः वो सफलीभूत नहीं हो पाएगा। जरूरी यह है, गठबंधन तो हुआ, लेकिन ईमानदार गठबंधन के प्रमाण अभी भी नहीं मिल रहे हैं। अभी जो खबरें आ रही है छिटपुट, आपस में खींच तान, तनाव, अविश्वास का वातावरण अभी भी मौजूद है, और इसमें जैसे चुनौती कांग्रेस को है,
सबसे पहले कांग्रेस को एकजुट होकर चुनावी अखाड़े में उतरना पड़ेगा। लेकिन यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस में भी, जैसे राजस्थान की चर्चा हमने की और अब जो हालिया जो कुछ घटनाएं हुई महाराष्ट्र को लेकर, उससे भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी पिछली भूलों से सबक नहीं ले पा रही है। अभी पिछले दिन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, उसके बाद तीन नामों की घोषणा की उन्होंने, जो एक समिति बन रही है सीटों को बंटवारे को लेकर जो चुनाव आपसी चर्चा करेंगे, उसमें कांग्रेस नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, एक दिग्गज नेता नसीम खान और कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक बसवराज पाटिल का नाम उसमें दिया गया। लेकिन तत्काल इसके बाद इस पर रोक लगा दी कांग्रेस हाईकमांड ने, क्योंकि इन नामों की घोषणा के पूर्व नाना पटोले ने केंद्रीय नेतृत्व से अनुमति नहीं ली, बल्कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि तत्काल कार्रवाई करते हुए कांग्रेस आला कमान ने उस पर अपील रोक लगा दी। यह एक दृष्टांत है कि आपसी तालमेल का अभाव स्वयं कांग्रेस दल के अंदर है। नाना पटोले पिछले दिनों उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अच्छे काम किया है, संगठन को मजबूत किया है और वो काफी सक्रिय हैं, न केवल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए, बल्कि उसके तत्काल बाद होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में इस तरह की अगर घटनाएं होंगी, और चूंकि यह सार्वजनिक हो गया कि कांग्रेस आला कमान ने नाराजगी प्रकट करते हुए उनके द्वारा अनुमोदित नामों को रोका है, इसलिए आपसी जिस आपसी तालमेल की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि यह नाना पटोले की कोई मंशा ऐसी नहीं रही हो कि वो केंद्रीय नेतृत्व को बाईपास कर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते, ऐसा संभव नहीं दिखता है। वैसे राजनीति में किसकी क्या महत्वाकांक्षा है यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जो हकीकत का धरातल है उसके ऊपर रख कर कर हम चर्चा करेंगे, तो इससे ही लगता है कि नाना पटोले इतनी मूर्खता तो नहीं ही कर सकते हैं और नहीं ही किया होगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया में उनसे चूक हो गई, भूल हो गई, समझ नहीं पाए, उन्होंने नामों की घोषणा कर दी, उसके बाद उन्होंने रोका, चर्चा करेंगे, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का नाम भेजा। इसमें नाना पटोले या अन्य नेताओं को यह देखना पड़ेगा ऐसी कोई चूक न करे, चूंकि यह बात जब सार्वजनिक होती है, जब आम लोगों के बीच अर्थात मतदाता के बीच में ऐसी बात जाती है, तो उन्हें दुख होता है, पीड़ा होती है कि कांग्रेस एक दल के रूप में, एक इतने पुराने दल के रूप में जिसने कई दशकों तक देश पर राज किया, आज भी सच्चाई से रूबरू क्यों नहीं हो पा रही है। और वो सच्चाई यह है कि अब वह समय नहीं है जब किसी एक व्यक्ति विशेष का या एक परिवार विशेष का आदेश मानने को कांग्रेस पार्टी विवश रहती थी, अब वो समय नहीं है, क्योंकि आज का मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है, वो चुनावी गणित को अच्छी तरह समझता है, राजदल के नेताओं को और राजदलों की मंशा को अच्छी तरह समझता है, उसके बाद वो फैसला करता है। वैसे तो घोषणा हुई है भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहो, विपक्ष की ओर से भी, विपक्ष की ओर से आए मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सहायता कि केंद्र सरकार की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों के सहारे वह मतदाता के बीच में जाएंगे पांच राज्यों में, ये सभी कहने की बात है, अंततः फैसला जनता को करना होता है। लेकिन हम जिस मुद्दे पर अभी यहाँ चर्चा करते हैं वो था कांग्रेस में आंतरिक कलह को लेकर, जो राजस्थान को लेकर चर्चा हुई और अब महाराष्ट्र को लेकर जो बात हो रही है उसमें कांग्रेस इससे बचे, इसका दायित्व यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर है। उनकी नियत में कोई संदेह नहीं, वे पूर्णतः एक समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ता है और महाराष्ट्र में कांग्रेस की जड़ को मजबूत करने के लिए वे
दिन रात एक कर रहे हैं, काफी सक्रिय हैं। सिर्फ थोड़ी सी जो कमी आती है वो कि लोगों को विश्वास मिले, अपने सहयोगियों को विश्वास मिले, कार्यकर्ताओं को विश्वास मिले, आम जनता के बीच ईमानदारी के साथ जाकर के अपनी कार्यक्रमों को रखें। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह एक ऐसा अवसर है जिसका लाभ कांग्रेस या विपक्षी दल उठा सकते हैं। असंतोष है यार, आम लोगों के बीच में केंद्रीय सरकार सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी को लेकर संतोष है, ये एक सच्चाई है। और मैं इसलिए भी इसे दोहरा रहा हूं ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भी सतर्क सचेत हो जाए, वह इस मुगालते में न रहे कि वे तो अगले 50 वर्षों तक राज करेंगे ही। अगर आपने जनहित में कदम उठाए, जनहितकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जिससे वास्तव में जनता को लाभ मिले, तो आप कर सकते हैं। आप 50 वर्ष या 100 साल राज कर सकते हैं, जनता के समर्थन मिलेगा। किंतु अगर आप अहंकार में आ जाते हैं, जिसकी झलक इन दिनों देखने को मिल रही है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से अब हम नहीं निकलते हैं, मैं एक अकेला, तो जिस भी व्यक्ति के मन में ऐसा अहंकार आ जाए कि मैं ही सर्वोपरि हूं, क्षमा करेंगे, इतिहास साक्षी है कि उसका पतन होकर रहता है। समय अभी भी सुधार ले, संभवतः उनके सलाहकारों ने ऐसी सलाह उन्हें दी होगी। दूसरे नंबर पर जो मंत्री आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके मुखारविंद से भी इन दिनों जैसे शब्द आ रहे हैं उसमें अहंकार की बू आती है। इससे उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बार बार दोहरा रहा हूं कि इतिहास साक्षी है, अनंत काल से अहंकार किसी का टिका नहीं है, ये तथ्य मौजूद है। इसके बावजूद अगर इसे दरकिनार कर आप अहंकारी भाव से पार्टी को चलाना चाहेंगे, देश को चलाना चाहेंगे, तो इसके परिणाम सुखद तो नहीं होंगे। इस पार्श्व में, चूंकि हम महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे थे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को सावधानी पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अवसर उनके सामने है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो महाविकास आघाड़ी की चर्चा वो कर रहे थे, आज जो शिवसेना से टूटकर एकनाथ शिंदे गुट अलग हुआ और मुख्यमंत्री बने, या राष्ट्रवादी कांग्रेस से अजीत पवार गुट टूटकर अलग हुआ और वो उप मुख्यमंत्री बने, सत्ता में आए। लेकिन एक सवाल, एक लटकिया सवाल लोगों के पीछे मौजूद है कि ये जो लोग टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और सत्ता में शामिल हुए, वे जब चुनावी अखाड़े में उतरेंगे, तब देखना यह होगा कि जनता उनका किस रूप में स्वागत करती है, जनता उन्हें स्वीकार करती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है, दल बदल कर जब उस सत्ता का साथ लिया, आम मतदाता ने उन्हें रिजेक्ट किया है, उन्हें अस्वीकार किया है चुनाव में, यह तथ्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसे में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस से टूट कर उन्होंने अजीत पवार गुट, या शिवसेना से अलग हो रही एक नाथ शिंदे गुट, चाहे दावे जितने भी कर लें, वे भी जानते हैं, उनका अंतर इस बात को बार बार उन्हें कचोटता होगा कि अभी जब हम चुनावी अखाड़े में उतरेंगे, तो जिन लोगों को लेकर वे अलग हुए हैं, एक नाथ शिंदे या अजीत पवार, उनमें से कितने प्रतिशत चुनाव पुनः जीत करके आ सकते हैं, या ये दोनों नेता उन्हें कितना जिता पाए, कितने लोगों को जिता पाएंगे, यह एक लटकिया सवाल है जिसका उत्तर आना अभिशेष है। ऐसे में और भी महत्वपूर्ण होता है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के लिए कि इस स्थिति का अगर लाभ उठाना है, जनता के असंतोष को भुनाते हुए कांग्रेस के पक्ष में मत लेना है, तो ऐसा कोई विवाद खड़ा न होने दे जिससे यह संदेश जाए कि स्वयं कांग्रेस का किला कमजोर नींव पर खड़ा है, उनमें आपसे खींचतान है, वे स्वयं एकजुट नहीं है, तो फिर मतदाता के सामने वो जाएंगे कैसे। इसलिए
लोकतंत्र के हित में, एक मजबूत स्वस्थ लोकतंत्र के हित में है कि मजबूत विपक्ष की उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए नाना पटोले हो या अन्य कोई नेता ईमानदार एक जुटा जुटता प्रदर्शित कर मतदाता के सामने जाए, अच्छे परिणाम मिलेंगे, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।